क्लास 10th, सब्जेक्ट मैथ। हम एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.2 के 1 to 9 क्वेश्चन कंप्लीट किए। हमारा लास्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है कि चार संख्याएं समांतर श्रेणी में, किसमें, समांतर श्रेणी में, और उन संख्याओं का योग 50 है, और जो सबसे बड़ी संख्या है सबसे छोटी संख्या की वो क्या है, 4 गुना है। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने कहा कि चार संख्याएं, हमें बताई भी नहीं चार संख्या कौन सी, हमें ये संख्या नहीं दी गई है कि वो चार संख्या कौन सी है। इसलिए सबसे पहले तो हम संख्या, जब भी हमें ऐसे बोला जाए कि चार संख्या समांतर श्रेणी में है, या तीन संख्या समांतर श्रेणी में, या पाँच संख्या, लगभग हमारे 10th क्लास में 3 या 4 संख्याएं यूज़ हो रही है। जब भी अगर संख्या 3 है तो उस टाइम में हमारे पास संख्या कौन कौन सी होगी, a माइनस डी, ये पहली संख्या, a दूसरी संख्या होगी, और a प्लस डी है वो हमारी तीसरी संख्या होगी। अगर वो चार संख्या की बात करते हैं तो चार संख्या कौन सी होगी, a माइनस 3d, ये पहली संख्या होगी, a माइनस डी हमारी दूसरी संख्या होगी, a प्लस डी है वो हमारी तीसरी, और a प्लस 3d है वो हमारी चौथी संख्या होगी। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में ये कौन सी, कितनी संख्या की बात कर रहे हैं, चार की कर रहे हैं। जब भी चार संख्या समांतर श्रेणी में है तो ये जो संख्या है ये समांतर श्रेणी में है। तीन की बात करेंगे तो तीन के अंदर है, चार की बात करें तो ये चारों संख्या क्या है, समांतर श्रेणी में, और संख्या है कितनी, चार है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्व कैसे करेंगे कि माना समांतर श्रेणी में चार संख्याएं, कौन कौन सी है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, और a प्लस 3d। ये चारों संख्याएं हमारी किसमें, समांतर श्रेणी में। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है कि संख्याओं का योग 50 है, जो चार संख्या है इनका अगर हम योग करें वो कितना है, 50 है। फर्स्ट लाइन तो यहाँ कंप्लीट होते हैं। फिर कह रहा है कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या की 4 गुना है। इसके अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारे पास, a प्लस 3d, ये सबसे बड़ी संख्या होगी, और सबसे छोटी संख्या होगी a माइनस 3d। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो सबसे बड़ी संख्या है ये सबसे छोटी संख्या की अगर हम 4 गुना करें तब बड़ी संख्या क्या आता है, इक्वल आता है। तो पहले हम पहले समीकरण आते हैं। पहले समीकरण है कि संख्याओं का योग 50 है। क्या है, संख्याओं का योग 50। संख्या क्यों कौन कौन सी है, a माइनस 3d, योग करना है तो बीच में साइन आ जाएगा प्लस, दूसरी संख्या a माइनस डी प्लस, तीसरी है a प्लस डी प्लस, चौथी है हमारे पास a प्लस 3d। इन सभी का सम कितना है, 50 है। ये चारों संख्या हमारे पास अलग है। ठीक है, उसने बोला कि पहली इन चारों संख्याओं का योग 50 है, हमने चारों का योग किया तो वो कितना आएगा, 50 आएगा, ये बोला गया। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। देखो प्लस का a, प्लस का a, प्लस का a, प्लस का a, तो ये प्लस के a आपस में जुड़ के कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4, कितने बन जाएंगे, 4a। नेक्स्ट देखो माइनस का 3d, माइनस का d, प्लस का d, प्लस का 3d। अब देखो माइनस का 3d और प्लस का 3d कैंसिल आउट हो गए, कट जाएंगे प्लस माइनस की संख्या कट के, 0। माइनस का डी प्लस का डी ये भी कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा, 0। इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, क्या है, 50 गिवन है तो 50 आ गया। अब यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ 4a के मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में आके 4 है वो 50 के डिवाइड में आएगा। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25/2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए की। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड समीकरण हमें क्वेश्चन में क्या दे रहा है। ये तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, जब हमने ये संख्याओं का योग किया तो वहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाती है। अब हमें सबसे बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की 4 गुने, हमें क्या गिवन है, बड़ी संख्या इक्वल है छोटी के, लेकिन छोटी संख्या के इक्वल कब आएगा, जब छोटी संख्या को हम अगर 4 से गुना कर दें तो वो बड़ी संख्या के बराबर आ जाता है। ठीक है, मान के चलो बड़ी संख्या हमारे पास 20 है और छोटी संख्या 5 है, 5 को अगर 4 से गुना करेंगे तभी तो वो 20 के इक्वल आएगा, इसलिए 5 को 4 से गुना किया 20 के इक्वल आया। तो इसलिए क्या होगा, बड़ी संख्या दी 4 छोटी संख्या की 4 गुना, बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, a प्लस 3d,
इक्वल्स टू चार गुना छोटी संख्या कौन सी है, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस थ्री डी। ठीक है, अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। ए प्लस थ्री डी इक्वल्स टू, बाहर फोर है, ब्रैकेट के बाद जितनी संख्या होती है उसका ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक संख्या से मल्टीप्लाई होता है। फोर का ए से मल्टीप्लाई किया फोर ए, फोर का थ्री से मल्टीप्लाई किया ट्वेल्व, और डी है तो डी। ठीक है, अब ए वाली संख्या को एक तरफ सोल्व करेंगे और डी वाली को एक तरफ। अब देखो ए प्लस का फोर ए, लेफ्ट हैंड साइड आके माइनस फोर ए, इक्वल में माइनस ट्वेल्व डी यहीं है, और प्लस का थ्री डी को राइट में लेके जाएंगे तो माइनस के थ्री डी। यहाँ आ गया माइनस थ्री ए इक्वल्स टू माइनस फिफ्टीन डी। ठीक है, अब यहाँ माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आया थ्री ए इक्वल्स टू फिफ्टीन डी। थ्री का फिफ्टीन में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, फाइव। ए की वैल्यू ए इक्वल्स टू आ गया फाइव डी। अब देखो हमारे पास, हमने अभी वैल्यू फाइंड आउट की थी ए की, वो कितनी आई थी 25 बाई 2, वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक, हमारे पास आया ए इक्वल्स टू 5d। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन समीकरण एक से ए का मान रखने पर, ए का मान कितना है 25 बटे 2, यहाँ रख देते हैं इक्वल में 5d। ठीक है, 5 है वो d के मल्टीप्लाई में है, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड में आएगा। 25 बाई 2 डिवाइड 5 इक्वल्स टू d, 5 का 25 में डिवाइड करोगे तो 5, d की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 5 बाई 2। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में था संख्या ज्ञात करनी है, और संख्या ज्ञात करने के लिए a और d की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि संख्या हमारे पास क्या थी, a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। तो इनके अंदर क्या यूज़ हो रहा है, ए और डी, ए और डी की वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए क्वेश्चन का यूज़ करते हुए हमने ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट की। फाइंड आउट करके अब हम वैल्यू पुट करके करेंगे तो हमारे पास संख्याएं आ जाएगी। अब देखो सबसे पहले उसने हमें कहा था संख्याओं का योग 50 है, जब हमने सभी संख्याओं का योग करके सोल्व किया तब तो हमारे पास वैल्यू आ गई ए की। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि बड़ी संख्या वो छोटी संख्या की चार गुना, जब हमने ये समीकरण फॉलो की, बड़ी संख्या छोटी के चार गुना करके इक्वल रखा, तो सोल्व करके हमारे पास ए इक्वल टू 5d आता है। लेकिन ए की वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, वो वैल्यू पुट करते हैं, सोल्व करते हैं, तो d की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 5 बाई 2। अब देखो मेरे पास ए की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है, हमें संख्या ज्ञात करनी है, जो स्टार्टिंग में संख्या लेट की थी उनमें यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। संख्या क्या थी, a माइनस 3d, पहली संख्या ये थी ना, हाँ पहली संख्या निकाल लेते हैं, पहली संख्या ए माइनस थ्री डी। ए की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की थी 25 बाई 2। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 25 बाई 2 माइनस थ्री डी, डी की वैल्यू कितनी है 5 बाई 2। सोल्व करेंगे तो 25 बाई 2 माइनस 5 को 3 से किया 15 अपॉन 2, और हर की संख्या समान है तो लघुत्तम 2 आ गया, और अंश की संख्या माइनस है तो माइनस हो जाएगी, प्लस है तो प्लस, तो कितना आ गया 10 बाई 2, कैंसिल आउट होके 5। ये तो पहली संख्या आ गई। दूसरी क्या थी, a माइनस डी, ए माइनस डी मीन्स 25 बाई 2 माइनस 5 बाई 2, तो कितना आएगा 20 बाई 2, कट करके 10। तीसरी संख्या a प्लस डी थी, मीन्स 25 बाई 2 प्लस 5 बाई 2, एलसीएम 2 आया 25 प्लस 5, 30 बाई 2 कितना आ गया 15। इसी प्रकार से फोर्थ, ए प्लस थ्री डी, 25 बाई 2 प्लस 3 × 5 बाई 2 कितना आ जाएगा 25 प्लस 15 अपॉन 2 40 बाई 2, तो कितना आ गया 20। तो ये हमारे पास चारों संख्याएं थी। ठीक है, पहली संख्या क्या थी 5, दूसरी 10, तीसरी 15 और चौथी 20। तो समांतर श्रेणी क्या बनी, 5, 10, 15, 20, ये चारों संख्या हमारे किस में है, समांतर श्रेणी में है। कैसे पता चला, क्योंकि सभी में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो सेम है, कितने का है 5 का है। ठीक है, तो ये हमारी चार संख्याएं थी। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन था चार संख्या समांतर श्रेणी में है,
अगर चार संख्या में नहीं गिवन है तो चार संख्या कौन सी होगी, a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। उसके बाद में संख्याओं का योग कर बोला है तो हमने संख्याओं का योग किया, घटाव बोलेगा तो माइनस करेंगे। फिर उसने कहा कि बड़ी संख्या छोटी की चार गुना है तो बड़ी संख्या को छोटी की चार गुना करके इक्वल रखे सॉल्व किया तो डी की वैल्यू आ जाती है। और फिर स्टार्टिंग जो वैल्यू थी हमारे पास संख्याएँ ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, इसमें डी और ए की वैल्यू पुट करके इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी। ओके, तो ये हमारी 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं 5.3। हाँ जी स्टूडेंट्स, 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले 5.2 हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। देखो 5.2 एक्सरसाइज में हमने क्या किया कि हमें समांतर श्रेणी में गिवन थे जिसमें हमें बोला गया कि nवां पद ज्ञात करो, या कई बार nवां पद दिया गया है तो कोई संख्या ये कौन से पद पे है, ठीक है। तो उसमें हमने मेनली जो फॉर्मूला यूज़ किया वो क्या यूज़ किया, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला किसका था, एनवा पद ज्ञात करने का, एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला था, ठीक है। जैसे भी हमें कोई गिवन था 2, 3, 4 डैश डैश, और इसने हमें बोला हो कि 20वां इस श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करो, तो हमने कैसे फाइंड आउट किया, 20वां पद फाइंड आउट करो। तो n की वैल्यू हमारे लिए 20 थी, जो प्रथम पद है वो हमारे लिए a की वैल्यू थी, और सार्वंतर d की वैल्यू वो हम कैसे निकालते हैं, जो इनमें डिफरेंस होता है, इनके अंदर डिफरेंस कितने का है, 1-1 का। इस तरीके से n की वैल्यू आ गई, a की आ गई, d की आ गई, तो हम an फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो हमारे पास 5.3 एक्सरसाइज है उसमें हमारे पास क्या है कि हमें समांतर श्रेणी गिवन है और समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करना है। ये जितने भी टर्म्स हैं ना यहाँ तक, अब इन सभी का हमें क्या बोला जाएगा, योग ज्ञात करो, कि समांतर श्रेणी के 20 पदों का योग ज्ञात करो। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 5.3 हमारी कौन से बेस पे रहेगी, पदों का योग ज्ञात करने में, क्या है, पदों का योगफल, पदों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। देखो योगफल मीन्स सम, योग को हम किस लिखते हैं, सम, तो एस एन, एन क्यों, एन क्या है, पद, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने पद है, कि दी गई जो समांतर श्रेणी है उसके अंदर पद हैं कितने, कितने स्टेप हैं, ठीक है, एन। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एन बाई टू बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो स्मॉल a यहाँ वही है, प्रथम पद रहेगा, n भी वही है पदों की संख्या को, और d है वो हमारे पास वही कॉमन डिफरेंस, इन सभी में सार्व अंतर, ठीक है। और s n मीन्स इन पदों का योग फल, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और अपने तरीके से लिखें, 2a है, 2a है, हम इसे ये लिख सकते हैं ना, a प्लस a, मेनली तो हम ज़्यादातर इसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई रेयर चांसेस है 1-2 क्वेश्चन में अगर ये थोड़ा यूज़ हो तो, देखो बाकी आपको ध्यान में होना चाहिए ये फॉर्मूला कैसे ना। देखो a प्लस a, 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस a, बाकी सेम लिख देते हैं n माइनस वन इंटू डी। अब आप ये देखिए यहाँ से लेके a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कोई फॉर्मूला है इसका, हमने पहले यूज़ किया, कहीं यूज़ किया ना, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी पदों की संख्या ज्ञात करने में, मीन्स ए एन, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ए एन। अगर हम इसे थोड़ा सा सोल्व करके लिखें तो हमारे पास क्या बनता है, ये a एज इट इज प्लस इस कंप्लीट का क्या बना, a n, ठीक है। देखो पदों का योगफल ज्ञात करना है तो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यहाँ स्मॉल छोटा ब्रैकेट है, ठीक है। अब हमने क्या किया, 2a को थोड़ा सा डिवाइड किया, a प्लस a लिखा, a प्लस a लिखने पे ये हमारे पास तो बन जाता है पदों की संख्या का फॉर्मूला, सॉरी पदों पद फाइंड आउट, पद ज्ञात करने का फॉर्मूला बन जाता है ये तो, और ये हमारे पास a प्लस एज इट इज़ है और n बाई टू बाहर है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको वैसे धीरे धीरे और समझ में आएगा। जैसे हमें कोई क्वेश्चन गिवन है, देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन फर्स्ट हमें गिवन है कि निम्न समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात करो, ठीक है। हमें इसमें 2-3 पार्ट गिवन है, तो फर्स्ट पार्ट है 1, 3, 5, 7
करते हुए 12 पदों तक हमें इस श्रेणी के पदों के योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करना है, स्पष्ट है बात। तो योगफल का फॉर्मूला लगेगा। उससे पहले हम लिखते हैं हमें क्या गिवन है। सबसे पहले देखते हैं प्रथम पद क्या है। दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है। प्रथम पद मीन्स हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, कितना है 1। अब हम इसमें क्या निकालते हैं, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। डी की वैल्यू क्या देखते हैं, कैसे निकालते हैं, ए टू माइनस ए वन, तो 3 - 1 करेंगे कितना आएगा 2। डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का। और हमें गिवन है पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या मीन्स स्मॉल एन। 12 पदों तक योगफल ज्ञात करना है, मीन्स टोटल इस श्रेणी में कितने पद हो गए, 12 हो गए, तो एन का मान कितना हो गया 12। अब हमें कहा है कि पदों का योगफल ज्ञात करो, तो पदों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला अभी बताया था, एस एन क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। एस एन, एन का मान कितना है 12, एन बाई टू 12/2, टू ए, ए की वैल्यू 1 प्लस एन माइनस वन मीन्स 12 - 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 2, एस 12। अब देखो 2 का 12 में भाग देंगे कितना आएगा 6, अंदर देखो 2 का 1 से गुना किया 2, 12 को माइनस कर 12 - 1 करेंगे तो 11 × 2 6, 2 प्लस 22, 11 को 2 से गुना किया 22, 6 × 22 में 2 जोड़ेंगे 24। तो एस 12 का मान हमारे पास कितना आ जाता है, एस 12 का हमारे पास मान कितना आ गया 144। तो ये हमारे पास 12 पदों का योगफल आ गया। अगर क्वेश्चन ये कहता कि 12वां पद ज्ञात करो, समांतर श्रेणी दी गई है 12वां पद ज्ञात करो, तब तो फॉर्मूला हमें लगाना था ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन क्वेश्चन ने बोला पदों का योगफल ज्ञात करो, तो योगफल का फॉर्मूला अप्लाई किया और वैल्यू रख के सॉल्व किया, तो एस 12 का मान आ गया 144। हाँ जी, क्वेश्चन फर्स्ट का, सेकंड पार्ट आप सेल्फ करने की ट्राई करना, ओके। थर्ड पार्ट मैं आपको करवा देती हूँ। थर्ड पार्ट क्या है, 1/15, 1/12, 1/10 और 11 स्टेप तक हमें इसकी सम फाइंड आउट करना है। अब देखो, अब इसमें सबसे पहले प्रथम पद का मान कितना है 1/15, डी का मान ए टू माइनस ए वन करते हैं, मतलब 1/12 में से माइनस करेंगे 1/15। अब आप इसे पहले सॉल्व करो, एलसीएम लेके हम अभी आ जाएगा 60, 12 का 60 में भाग दोगे 5, 5 का 1 से गुना 5, 15 का 60 में भाग दिया 4 पे गया, 4 का 1 से गुना 4, तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/60। अंतर आ गया, प्रथम पद गिवन था। अब एन, एन हमें कितना दिया कि समांतर श्रेणी के 11 पदों का हमें योगफल निकालना है, कितने स्टेप हैं 11, एन का मान 11। योगफल निकालना है तो योगफल का फॉर्मूला एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। एन का मान है 11 / 2, टू ए, ए का मान है 1/15, एन 11 - 1, डी का मान है 1/60। एस 11 कितना आ जाएगा 11/2, यहाँ आ गया 2/15 प्लस 11 में से 1 या 10, 10 × 1/60 करेंगे तो 1/6, ये आएगा ना 10 × 1/60, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 1/6। एस 11 का मान 11/2, 15/6 में एलसीएम ले लेंगे 30, 2 को 2 से गुना किया 4, ये 5, हमारे पास एस 11 का मान आता है 11/2 इंटू में 5 + 4 = 9, 9/30। तो S 11 का मान सोल्व करेंगे 3 × 10, 33/20। ये हमारे पास इस श्रेणी के 11 पदों का योगफल कितना आ जाए, 33/20। तो आज की क्लास में 5.3 के फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, ओके। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करना। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैंने स्किप किया, वो आप सेल्फ करके देखना, ओके, इजी है, हो जाएगा। क्या गिवन हमें, 8, 3,
माइनस दो 22 पदों तक, तो ए का मान कितना है 8 है, डी का मान निकालो 3 माइनस 8 करोगे तो माइनस के 5, और एन का मान है 22, 22 पदों तक हमें निकालना है, ठीक है। उसके बाद में फॉर्मूला लगा के इसमें वैल्यू पुट करके सोल्व करना है, ओके। तो यहाँ तक नेक्स्ट क्लास तक आप अपना वर्क यहाँ तक कंप्लीट कीजिए।